आज नो टोबैको डे भी है। हाँ जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। पिछले ऑलमोस्ट एक डेढ़ डेकेड से मैं हिंदुस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंटी टोबैको एम्बेसडर रहा हूँ। CPA यानी कि कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, ये मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा परिवार है, और हमने पिछले 15-16 साल में ये मुहिम चलाई है कि खासकर यूथ में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई टबैको का क्या नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर हमारे हमसे प्यार करने वालों की लाइफ में भी क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है हेल्थ के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए कितनी नेगेटिव चीज़ें इससे हो सकती हैं, जैसे पैसिव स्मोकिंग है। हमने लोगों को अवेयर जब किया फादर्स को कि SIDS विच इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि एक छोटा बच्चा स्मोक इन्हेलेशन से कैसे मर सकता है, तो तब लोगों में बहुत अवेयरनेस आई और उन्होंने यू नो सिगरेट स्मोकिंग, टबैको का सेवन करना उसे छोड़ दिया है। आज का जो कॉन्सर्ट है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई ब्रदर फरहान अख्तर। आई ऑलवेज से इज गॉट अ गोल्डन हार्ट, हमेशा कोई अच्छे कॉज के लिए वो ट्रू रॉक स्टार बन के आ जाते हैं, और आज भी ऑन स्टेज ही इज गोइंग टू रॉक ऑन। हमारे 2000 के करीबन वॉलंटियर्स हैं जो साल भर काम करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तो आज उनका मौका है सेलिब्रेट करने का, और मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ थैंक यू बोलने के लिए टू पीपल लाइक फरहान अख्तर, टू नेहा बसीन, टू दिव्या कुमार, सो मैनी पीपल, हमारे स्पॉन्सर्स जो हमें ये सब प्रोग्राम्स चलाने के लिए स्पॉन्सरशिप्स भी देते हैं, फंड रेजिंग में मदद भी करते हैं, और हमारे वॉलंटियर्स को इंस्पायर करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू करने आया हूँ। जी कैंपेन से लेकर 16 साल हो चुके हैं, और हमने देखा कि लास्ट 5 इयर्स में बहुत कम हो चुके हैं जी, उसके वजह से जो डेथ हो रही है, बट टोबैको उसकी वजह से अब डेथ बहुत बढ़ गई है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, बट नो स्मोकिंग बहुत कम हो चुकी है। अभी जो हमने पिछले 10-15 साल फोकस किया वो फोकस किया अर्बन यूथ पे, कॉलेज जाने वाले बच्चों पर स्मोकिंग ना करें। फिर हमने इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया, जैसे हमने पूरे मुंबई के पुलिस स्टेशंस को 2 साल पहले टबैको फ्री कर दिया, जिसमें स्मोकिंग, च्यूइंग टबैको सब बंद करवाया, और उसके लिए काउंसलिंग से लेके चेकअप से लेके ट्रीटमेंट से लेके हमारे पुलिस के भाइयों को हमने उनकी फैमिलीज़ को तक इसमें इन्वॉल्व किया कि अपने उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनका बेटा उन्हें प्रेरणा दें कि ये बुरी आदत छोड़ दो, वी लव यू एंड हम जानते हैं कि आप इतना स्ट्रेस लेते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप छोड़ दें, तो उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया। ऐसे ही हम इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, जैसे BEST है, तो BEST को हमने पूरे BEST को टबैको फ्री की, तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, फ्री कैंप्स चलाना, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन हमारे बॉलीवुड के, उनके लिए हमने सिमिलर इस तरह के कैंप्स किए, ये और साथ में अर्बन यूथ, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा और हमें इसकी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट और रिजल्ट आई है। अब हमारा अगला फोकस जो है वो थोड़ा सा और अर्बन से रूरल तक पहुंचने का है, गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना है, गांव-गांव तक, घर-घर तक हमको पहुंचाना है, क्योंकि काफ़ी जगह अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे अवेयरनेस हो जाती है तो लोग अपने आप बोलते हैं यार ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे ये पीड़ा हो सकती है, मेरी जान जा सकती है, मेरी आवाज़ जा सकती है, तो फिर लोग उससे भी दूर होना शुरू कर देते हैं। तो अपना अगला मिशन यही है कि पूरे हिंदुस्तान को उस टबैको छोड़ने की जप्पी में जकड़ लेना है। ओके सर जी, की बात कल भी बातें हुई कि ढेर सारे आर्टिस्ट, ढेर सारे क्रिकेटर जो है इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जी, इंडस्ट्री में कई सारे आपके दोस्त हैं जिनको आप चाहेंगे कि स्पेशली ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अगर आप किसी को हाँ चाहेंगे तो ज़रूर, और जब मिलता हूँ तब मैं बोलता भी हूँ, लेकिन इतने साल के अनुभव ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जब आपके दिल की आवाज़ आपके दिल से आवाज़ निकलती है तो आप किसी चीज़ को करते हो। जैसे अभी मैं गाड़ी में आते आते भोपाल शहर के कुछ ऐसे कूल लोग जिन्होंने तंबाकू छोड़ा और क्या कैसे छोड़ा, कैसे उनकी कहानी थी, एक रेडियो स्टेशन के साथ में मैंने एक मुहिम चलाई कि आप अपनी सारी कहानियाँ असली हीरोगिरी की मुझसे शेयर करें, तो अभी मैं उनके साथ वीडियो चैट कर रहा था और सब विनर्स को, कॉन्टेस्ट विनर्स को कंग्रेचुलेट कर रहा था कि जिन लोगों ने इस कॉन्टेस्ट के दौरान कस्में खाई कि हम तंबाकू छोड़ देंगे और ड्रॉप किया, तो उसमें इतने सारे लोग थे जिन्होंने हमेशा ये कहा, मेरी बेटी ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, मेरे बच्चों को देखकर, उनका मुंह देखकर मैंने छोड़ दिया है इसको। तो ये जो है ना, ये जो अपना एक जो प्रेरणा मिलती है ये कभी कभी अपने दिल की आवाज़ होती है, अपने जब कहते हैं पापा छोड़ दो, वो देखकर, जैसे कल प्रिया दत्त जी कह रही थी कि सुनील दत्त जी ने उनका मुंह देखकर सिगरेट छोड़ दिया, 2 पैक पीते थे दिन का और उन्होंने छोड़ दी,
तो ये जो बात है ये अपना डिसीजन रहता है। थैंक यू। नहीं यार, ये मैं शूटिंग कर रहा हूँ इस वक्त बालाजी ऑल्ट के शो के लिए कॉल्ड फैमिली, जो एक गैंगस्टर ड्रामा है। बट ये आउटफिट नहीं है, ये तो मैं आज शाम के लिए पहन के आया हूँ, बट हेयर मेकअप वगैरह उसी से, डायरेक्ट सेट से आया हूँ, यहाँ फिनिश करूँगा और फिर वापस सेट पे भागूंगा। मुझे बहुत कम मतलब यूजुअली आई डांस एंड आई सिंग एंड स्टफ, बट आई वांटेड टू रियली जस्ट सिंग फॉर यू गाइस टुडे एंड आई वांट टू थैंक, जैसे कहते हैं ना, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ CBA को फॉर बीइंग सच अ काइंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डूइंग सच ग्रेट वर्क। अनीता का तो मतलब आई थिंक वी ऑल शुड अडॉप्ट हर, शी इज लाइक सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, रियली आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनीता। इफ यू ऑल डोंट नो हर, शी वर्क्स टायरलेसली फॉर CBA, Mr. Sapru, Mrs. Sapru, just such great human beings, really. And guys, before I start singing, I just want to say, in whatever way you can contribute to CPA, please do that. This is such a wonderful organization that helps not just the youth, but people from different communities who need help and people who are suffering from cancer or tobacco addiction. I'm absolutely tobacco free. I've never smoked. Really, look at my teeth. I've never smoked. And I don't use tobacco, and I like to look young and sexy, so I would not do it. And I advise the same to you guys. I'm going to sing my new song. It's not really new anymore, but Dil Diyan Galla. Would you guys like to hear that?